पटना के जो है कि NMCH में मछली तैर नहीं रही है, लेकिन लोग मछली पकड़ भी वहाँ रहे हैं। और वही हालत PMCH में बना हुआ है, बोरिंग रोंग की वही स्थिति है, अनीसाबाद का वही स्थिति है, बेउर का वही स्थिति है, कंकरबाग जो माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है कि कॉलोनी है, सबसे सुंदर कॉलोनी है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं। अगर वहाँ का मरीज अगर एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, ये हाल बन गया है। यही स्थिति नहीं, तमाम जगहों का स्थिति बस से बदतर बना हुआ है। और बिहार के नगर विकास मंत्री, हम लोगों ने ये तमाम मुद्दा पर उठाने का काम किया है, इन पर किसी पर उन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि वह सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था कि ये पटना डूब रहा है, पटना में लोग तैर रहा है, और NMCH जहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वहाँ मछली चल रहा है, दौड़ रहा है, तैर रही है, और मछली को लोग पकड़ रहे हैं, ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है। नगर विकास का बजट आया, नगर विकास के बजट जो आया है, ये तो नगर विकास के जिस तरीके की परेशानी है, वैसे परेशानी में यह क्या है, ये नगर विकास का बजट तो आया, लेकिन ये बजट खर्च होगा कितना ये तो बताएंगे, साथ साथ वह बजट में उन गरीबों की बात नहीं है, जिसके जो रैन बसेरा जो लालू यादव जी के समय में था, जो रिक्शा चलाने वाला जो है मजदूर टाइप के लोग थे, गरीब गुरबा था, जो आकर के चौक चौराहा पर सो जाता था, उसके लिए उन्होंने रैन बसेरा बनाया, उनको यह जो है कि भैंसी का खटाल समझ करके तुरवाने का काम इन्होंने किया, गरीबों का जो है कि हटाने का काम किया। जो शहरों में इंदिरा आवास योजना की बातें हैं, ये तमाम जो है कि ये टाटा फीस हो गई है, किसी गरीब को नहीं मिला है, इसी का कारण है कि कंकरबाग में उस दिन जो मजदूर का बेटा, दलित का, महादलित का बेटा रोड पर नहीं बगल में सोया हुआ था, जिसको 3 बच्चे पर ऊपर चढ़ा करके और उसको जो है कि मार दिया गया। तो ये हालात पटना का है। और ये हम कह रहे हैं कि हम लंदन बनाने का काम करेंगे पटना को, मॉरिशस बनाने का काम करेंगे पटना को, लेकिन सभी जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कैसे हम समझे कि लंदन और अमेरिका बनेगा यह शहर। देखिए, नगर विकास का जांच अगर हो जाए सरकार के द्वारा, या प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा सरकार ने जांच करा लिया, तो नगर विकास का पोल निश्चित रूप से खुल जाएगा, और करोड़ों में ड्रेनेज साफ करने के नाम पर घोटाला हुए हैं, इसको सरकार निष्पक्षतापूर्वक अगर जांच कराएगी तो करोड़ों करोड़ का वारा न्यारा है। मगरमच्छ तैरेंगे आने वाले दिनों में, मगरमच्छ तैरेंगे। जो ड्रेनेज की स्थिति है, रख रखाव और सफाई की स्थिति है, वो बद से बदतर है, इसलिए आने वाले दिन में मगरमच्छ भी तैर सकते हैं, अजगर भी तैर सकते हैं। के आने से पहले नाला उड़ाई का प्रोग्राम, वही तो मैंने कहा कि करोड़ों कर रख दिया गया, हटाया भी नहीं गया अभी तक। मलबा निकाला कहाँ गया है, मलबा भी निकाला ही नहीं गया है, और पैसा को खा गया है, डकार गया है लोग, और जो मलबा निकला भी है उसको हटाने के नहीं कारण वो नाले में जा रहा है। सरकार संवेदनशील है, मैंने स्वास्थ्य के प्रति आप मैंने देखने का है, अभी थोड़ा सा पानी हुआ है, अभी पूरा जो मानसून का है, पूरा मानसून का बारिश भी नहीं हुआ है, और ये हाल है पटना नगर निगम का, ये हाल है सरकार का, ये हाल है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसको मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए थी, केवल पीठ थपथपाती है सरकार, पीठ थपथपाती है, लेकिन काम कुछ नहीं। जेडीयू की तरफ से बयान आया है कि स्वास्थ्य मंत्री की कुछ ठोस पहल करनी चाहिए थी। देखिए, अब तो जेडीयू को और बीजेपी, मैंने जेडीयू को सोचना चाहिए ना, ठोस पहल क्या करना चाह रहे हैं वो लोग, मैंने तो अब भगवान के सहारे, हम लोग तो पहले भी करे, भगवान के सहारे बिहार की जनता है, बिहार के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज हैं, जो भी लोग हैं, वो भगवान के सहारे हैं, सरकार का कुछ नहीं है, सरकार पंगू हो गई है, और स्वास्थ्य विभाग तो बिल्कुल ही पंगू हो गई है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं ऐसे मंत्री को, समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया से भी तो बात करनी चाहिए थी स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, संवाद से दूरी, मैंने जानकारी मिलता है, दूरी कम होता है। अगर हम गलत चीज़ कर रहे हैं तो मीडिया अगर उजागर कर रही है तो कोई हमारा दुश्मन मीडिया नहीं है, मीडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमको संवाद करना चाहिए, कैसे कमी दूर होगी इस पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन मंगल पांडे हैं, ऐठ के चल रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी अगर नैतिकता बोलते हैं, थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है, तो सबसे पहले मंगल पांडे जी को बर्खास्त करें, दूसरा मंत्रालय दे दीजिए ना, स्वास्थ्य विभाग अपने हैंडल कीजिए, अपने अधीन रखिए, दूसरा मंत्रालय दे दीजिए। अगर आपको गठबंधन नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, दूसरा मंत्रालय दे दीजिए, कहाँ कर रहे जी, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दीजिए, दूसरा मंत्रालय दीजिए।